हैं, दो बंदे आए हैं असले के जोर पे ना, जो भी सामान वगैरह मोबाइल वगैरह वो सारा लेके चले गए। कराची वाले जाएं तो कहां जाएं, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पर काबजीन सड़कें बंद कराएं, ट्रैफिक जाम में हजारों लोग फंस जाएं और क्रिमिनल्स लूट मार मचाएं। मच्छर कॉलोनी के मकीनों का 8 घंटे से एहतजाज, हुक्काम से मुजाकरात नाकाम। माड़ीपुर रोड, एम ए जरा रोड, चंडीगढ़ रोड पर ट्रैफिक जैम, मुसल्ला अफराद ने 4 गाड़ियां लूटी, बेयारो मददगार हो गए आवाम। लोरियां ना सुनाए, कम से कम 500 गैर कानूनी इमारतें गिराएं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुकुम। कारसाज शारे फैसल राशिद मिनहास रोड पर तमाम शादी हॉल्स, सिनेमा प्लाजे मार्केटें गिराने की हिदायत। अस्करी पाक फौरी सिविल इदारे के मातहत किया जाए। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा पाक फौज ने मुस्तरद कर दिया। DGISPR का कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय मनसब से कोई राबता नहीं किया। दोनों आर्मी चीफ्स कांगो में अक्वामी मुतहदा मिशन में इकट्ठे तैनात भी नहीं रहे। मुल्कों में बातचीत के इख्तियार सिर्फ हुकूमतों को हासिल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर और जनूबी अफ्रीकी हाई कमिश्नर की मुलाकात। एक चीनी सफीर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनूबी अफ्रीका के हाई कमिश्नर के साथ खित्ते की सिक्योरिटी, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा, बैलिस्टिक मिसाइल नसर का कामयाब तजर्बा, तजर्बे से स्ट्रेटेजिक फोर्स की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। आजमाइशी लॉन्चिंग के मौके पर जनरल जुबैर महमूद हयात भी मौजूद थे। सदर वजीर आजम और मुसल्ला फास के सरबराहान की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का वीजा शराइत नर्म करने का फैसला, पहले मरहले में 97 मुल्कों के लिए वीजा शराइत नर्म की जाएंगी। वीजा ऑन अराइवल और वीजा इजरा की मुद्दत में कमी के लिए कैटेगरीज बनाई जाएंगी। वजारत खारजा और वजारत दाखिला को हंगामी बुनियादों पर इकदाम की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक। रकीब महसूद समेत 4 अफराद मासूम थे, मावराए अदालत कत्ल किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस रिपोर्ट मंजूर कर ली। चारों के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात खत्म करने की रिपोर्ट भी मंजूर। चारों को कमरे में कत्ल करने के बाद असलहा और गोलियां डाली गईं। राव अनवार जाए हुकुआ पर मौजूद थे। पुलिस वाले राह चलते आदमी को बिला वजह मार देते हैं, 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, क्या वो भी दहशतगर्द थी? फैमिली गाड़ी में सफर कर रही है उसे भी मार देते हैं। कराची में अमनो अमान की सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। पुलिस रवैया शर्मनाक है, खत्म करें ऐसी पुलिस, कोई दूसरी फोर्स लाए। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, जख्मियों की लाजमी तिबी इमदाद के मुतालिक बिल ऐवान में पेश।
नए कानून को सिंध इंजर्ड पर्सन कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर बिल का नाम दिया गया। वजीर आलम मुराद अली शाह का कहना है अमल को वापस नहीं ला सकते, मगर वालिदैन से किया वादा निभा दिया। अब कोई अस्पताल किसी भी जख्मी के इलाज से इनकार नहीं करेगा। पुलिस की भी तरबियत करनी चाहिए। पंजाब पुलिस में खैबर पख्तूनख्वा जैसी इस्लाहात लाई जाएंगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। साहिवाल वाकये में मुलव्वस अफराद के चालान फौरी पेश करने की हिदायत। फवाद चौधरी का कहना है वजीर आजम की हिदायत है, साहिवाल वाकये पर इंसाफ मिलना चाहिए। वजीर आला पंजाब ने भी वजीर आजम से मुलाकात की, साहिवाल के वाकये पर ब्रीफिंग दी। वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ सुबह से यार, वो मैंने 12 अरब के कौन से टैक्स लगाए, मुझे पैसा तो दे दो। सिर्फ 1800 सीसी बड़ी गाड़ियों के ऊपर टैक्स के अंदर ड्यूटी के ऊपर इजाफा किया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। घुटने नहीं टेकेंगे और ना टेकने की कोई जरूरत है। इस्लाहाती पैकेज में कोई नया टैक्स शामिल नहीं, सिर्फ 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर टैक्स लगाया गया है। वजीर खजाना असद उमर का कहना है बुनियादी चीजों में बेहतरी से लोगों की आमदन बढ़ेगी। 7% सालाना तरक्की के लिए 25 से 30% सरमायाकारी की जरूरत है। गुज़िश्ता बरस 60% खसारा हो गया था, अब दरामदात में कमी होना शुरू हो चुकी। उसको वजीर आजम बना दिया गया, इसको सेलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं। मॉडल टाउन जेआईटी की रिपोर्ट के बाद रईस शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला उसमें मुलव्वस पाए गए। ये खतरी खतरे के आते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आवाम से बात करता है। सरदारी साहब हमें बता रहा था कि जरा आपको मैं सिखाता हूँ, वो जरा बिलावल को सिखा दो, खुदा के लिए मैं माफ करता हूँ। कौमी असेंबली में फिर गर्मा गर्मी। मुराद सईद ने भी ना दिखाई कोई नरमी। चेयरपर्सन ने माइक बंद करा दिया। मुराद सईद फिर भी बोलते रहे, ओपोजिशन पर तनकीद के गोले बरसाते रहे। ओपोजिशन अराकीन का भी शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। गो न्याजी गो के नारे लगाए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए स्पीकर असद कैसर ने आकर सदारत संभाली। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक मरियम नवाज के खदशात मुस्तरद कर दिए। वजीर इत्तलात फयाज चौहान कहते हैं मरियम नवाज झूठ बोलना छोड़ दें, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, घर से मर्जी की डिशेज आती हैं, कौमी मुजरिम का ख्याल रखा जा रहा है, हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। नैब को 11 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक 54,344 शिकायत मिली। 2,125 शिकायत की जांच पड़ताल हुई। 1,059 इंक्वायरीज, 302 इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। 561 अफराद गिरफ्तार हुए। 540 रेफरेंसेज दायर किए। लूटी गई 3,91,00,00,000 से जायद की रकम बरामद की। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में कराची सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में मस्जिद शहीद करने पर जमात इस्लामी का एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने मेयर का घेराव कर लिया। हाथापाई और धक्कमपेल। वसीम अख्तर कहते हैं इजलास में थंडर स्क्वाड के लोग लाए गए। केएमसी इंतजामी ने वाकये पर पुलिस से शिकायत कर दी। लाहौर में गैर कानूनी तामीर। खोकर पैलेस को गिराने के बजाय बचाने की तैयारी। एलजीए ने खोकर पैलेस की सरपरस्ती का मलबा अपने फौज शुदा अफसरान पर डाल दिया। खोकर मार्केट और खोकर पैलेस 2007 में बने। एलडीए ने जिन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी वो वफात पा चुके। बारिशें और बर्फबारी तो गई थम, लेकिन हवाएं ऐसी ठंडी कि खून जाए जम। लवारी चौक, कुमराद और दिगर इलाकों में 5 फुट तक बर्फ की मोटी तह।
गलियात में शहराए मरी से बर्फानी तोता गिरने के बाद बर्फ अभी तक ना हटाई जा सकी। कई सियाह फंस गए, खवातीन और बच्चे भी शामिल। मकामी अफराद को भी मुश्किलात का सामना। बर्फानी तोता 3 रोज कबल गिरा था। अमरीकी बिजनेसमैन महंगे तरीन घर का खरीदार केन कोडेल बना जरदारी का मुबैशरा मोहल्लेदार। कोडेल ने न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में $238 मिलियन में घर खरीदा। रकम 33,29,52,34,000 रुपए बनती है। आसिफ जरदारी भी इसी इलाके में मुबैशरा तौर पर अपार्टमेंट के मालिक हैं। रोशनियों के शहर में मुख्तलिफ तहजीबों के रंग और उनके मजे मजे के पकवान। कराची के इलाके गुरु मंदिर पर हिंदुस्तान के शहर मेरठ का मशहूर कबाब पराठा अपने जायके की वजह से शहरी में बेहद मकबूल है।